पुष्पांजलि मेंस वेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजरी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। बालाघाट में पेट्रोल के दाम पहुंचे 100 रुपये के पार। कांग्रेस कमेटी ने रैली निकालकर 20 फरवरी को किया बंद का आह्वान। शिवाजी महाराज जयंती पर शहर में निकाली गई बाइक रैली, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री खिलावन पटेल रैली में हुए शामिल। बढ़ती महंगाई के खिलाफ जनता में रोज करे चर्चा, आम जनता और किसान विरोधी है भाजपा की सरकार। बैहर विधायक ने ली आवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक। देश और प्रदेश में लगातार बढ़ती महंगाई, रसोई गैस और डीजल पेट्रोल की कीमतों के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 20 फरवरी को आधे दिन का प्रदेश बंद का आह्वान किया है, जिसे लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से नगर में रैली निकालकर आम जनता और व्यापारियों से बंद में सहयोग की अपील की गई। आइए नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट पर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 20 फरवरी को मध्य प्रदेश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आधे दिन का बंद बुलाया है और इसी के परिप्रेक्ष्य में जिला कांग्रेस कमेटी बालाघाट के द्वारा आज रैली निकालकर लोगों से अपील की जा रही है, आह्वान किया जा रहा है कि वे महंगाई के खिलाफ होने जा रहे इस बंद का समर्थन करें। क्या कुछ कहते हैं कांग्रेस के नेता, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कल का बंद का आह्वान है, किस तरह से बंद रहेगा? पूरे देश में महंगाई जो इतनी ज़्यादा महंगाई हुई कि आज तक कभी आज़ादी के बाद से अभी तक इस गति से कभी महंगाई नहीं बढ़ी। अभी विश्व अंतर्राष्ट्रीय जो तेल बाजार में अभी जो कच्चे तेल के भाव नहीं बढ़े हैं, उसके बावजूद भी हमारी केंद्र सरकार मनमानी टैक्सेशन एक्साइज ड्यूटी लगा करके पेट्रोल और डीजल के भाव में मनमानी वृद्धि कर रही है। ये लोगों को आसानी हो रहा है। आज जहाँ तक पेट्रोल डीजल के अलावा रसोई गैस में भी, जो रसोई गैस 350 रुपये में हमारे जनमानस को उपलब्ध होती थी, आज वो 700-800 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से उपलब्ध हो रही है। खाने पीने की चीज़ें, खाने का तेल, जो तेल 80 रुपये और 90 रुपये लीटर के भाव से जनता को उपलब्ध होता था, आज 145-150 रुपये उससे वसूला जा रहा है। आज दालें भी जो है बहुत ज़्यादा, जो 70-75 रुपये की जो तुवर दाल अब 110-115 रुपये तक बिकने जा रही मार्केट में। साथियों, हर चीज़ के रेट इतने मनमानी बढ़ रहे हैं, लोगों को, छोटे छोटे मजदूर साथियों को, किसान भाइयों को, छोटे छोटे अपने मकान बनाने के लिए जो है उसमें सीमेंट, लोहा और जो जिस तरह से रेत और गिट्टियों के रेट। श्याम पंजवानी जी, आप बताएंगे अब तक कितने व्यापारिक संगठनों का अभी समर्थन मिला है? बालाघाट में समस्त व्यापारी संगठनों द्वारा हमें सभी को हम लोगों ने निवेदन किया, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हो, चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे वो सब्जी मार्केट हो, हर व्यापारी वर्ग इस महंगाई की मार को झेल रहा है। वो पूरी ताकत के साथ हमारे साथ खड़ा होना, तैयार होना चाह रहा है, क्योंकि ये महंगाई उन पर भी लग रही है, उनके परिवार पर भी इसका असर हो रहा है, उनके लेबर पर भी इसका असर हो रहा है। निश्चित तौर पर पूरा व्यापारी वर्ग हमारे साथ खड़ा है। कल इवन कई व्यापारियों का तो ये था कि आप कल सड़कों पर उतरे और आपके साथ पूरे व्यापारी वर्ग हमको कल दिखेंगे पूरे सड़कों पर उतर कर वो लोग। बताएंगे युवा कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी इस बंद में? युवा कांग्रेस की पूरी भूमिका रहेगी, सुबह से हम लोग बंद कराने के लिए सब तैयारी कर ली गई है। पूरे युवा साथी हमारे साथ में निकल के बाइक द्वारा रैली निकाल के बंद के लिए हम लोगों से अपील करेंगे और अभी भी हम लोग अपील करने निकले हैं। सभी से हाथ जोड़ के अपील है, पूरे व्यापारी बंधुओं से, हमारे जो ट्रांसपोर्ट यूनियन के जो हमारे जितने भी अध्यक्ष हैं या हमारे सब किसान भाइयों और जितने व्यापारी बंधुओं से, सबसे हाथ जोड़ के हम अपील करने निकले हैं कि कल हमारा सहयोग करें और देश में जो ये बढ़ती अराजकता और ये जो
तानाशाह सरकार है उसके खिलाफ हमारा समर्थन करते हैं। आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि आज के दौर में जो महंगाई इतना आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार हो चुके हैं और रसोई गैस के दामों में भी लगभग 6 महीने में 200-300 रुपए की वृद्धि हुई है, तो ये सब अपनी जो सरकार है ये नींद में सोई हुई है। इसको जगाने के लिए और जनता की ताकत का एहसास कराने के लिए कल 20 फरवरी 2021 को माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में प्रदेशव्यापी बंद का आह्वान किया गया है, जिसको आप सभी व्यापारी बंधुओं और सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अनुरोध भी है कि इसको बंद को सफल बनाएं दोपहर 2 बजे तक। नमस्कार। प्रगतिशील कुनबी समाज बालाघाट के द्वारा 19 फरवरी को जिला मुख्यालय में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर सर्किट हाउस रोड अंबेडकर चौक से नगर में विशाल बाइक रैली निकाली गई। यह रैली नगर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए कायदी पहुंची, जहां पर सामाजिक सम्मेलन के माध्यम से शिवाजी महाराज के त्याग और मुगलों के खिलाफ उनके पराक्रम पर अपने विचार रखे गए। रैली में कुनबी समाज के सैकड़ों युवा महिलाएं भी शामिल हुई। वही रैली का नेतृत्व मध्य प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री राम खिलावन पटेल ने किया, जबकि कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, विधायक गौरीशंकर बिसेन सहित प्रगतिशील कुनबी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। मुगलों को हराकर सिंहगढ़ के किले पर अपना परचम लहराया था। इसके बाद उन्होंने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। इतिहास में उनके पराक्रम को लेकर छत्रपति की उपाधि भी दी गई है। बैहर क्षेत्र के विधायक संजय सिंह विके ने आज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रांतीय सचिव राजकुमार किराऊ की उपस्थिति में अपने आवास स्थल पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने इस दौरान कार्यकर्ताओं से कहा कि इस समय देश में भाजपा की सरकार की वजह से किसान, मजदूर और सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। इस सरकार में महंगाई पर नियंत्रण के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और न ही किसानों की बातें सुनी जा रही है। उन्होंने बताया कि आज पेट्रोल के दाम जिले में भी 100 रुपये से पार हो गए हैं। ऐसे में हमें महंगाई के खिलाफ हर गली मोहल्ले और गांवों में इसकी चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि जो लोग महंगाई का आज विरोध नहीं कर पा रहे हैं वे भी इसके समर्थन में दिखाई दे। उन्होंने अंत में यह भी कहा कि आज केंद्र सरकार के द्वारा सभी पब्लिक सेक्टर की संस्थाओं कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है, इससे आदिवासी वर्ग के साथ सभी वर्ग के लोगों को बड़े पैमाने पर नुकसान है। जो आदिवासी समाज शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा है उन्हें निजीकरण की वजह से कभी लाभ नहीं मिल सकता है। बैठक में उनके अलावा सविता धुर्वे जनपद अध्यक्ष बिरसा, नीलकण रहांगडाले ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी दम्मो बिरसा, कलाबाई पूर्व जिला पंचायत सदस्य कलेश्वर जामरे जनपद सदस्य द्रौपदी धुर्वे, दयाराम रनवेजी, अंकुर धुर्वे सेवादल ब्लॉक अध्यक्ष बिरसा, मधुरा मरकाम, धनेश्वरी मेरावी, तुलसी परते सरपंच, परशुराम धुर्वे, बजारी लाल धुर्वे और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो केंद्र सरकार ने जो कानून काले कानून ला है उसका विरोध हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो किसान बड़े लोग, वो सक्षम लोग हैं। आज हम अगर 4 दिन आंदोलन में चले गए तो खाएंगे क्या वाली बात आती है, हमारा घर का प्रभावित होगा, वो एक एक साल के अगर रुपया जाएंगे, वो 1 करोड़ 2-2 करोड़ वाले किसान है, बड़े किसान है। लेकिन उस बात को हमको समझना होगा कि आखिर उस कानून के खिलाफ किसान क्यों, उसका कारण है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आज जिस समर्थक मूल्य पे धान और गेहूं जो सरकार खरीदता है, किसानों का ये कहना है कि जो आपने कानून लाए हो उसमें ये बदलाव कर दो कि जो मिनिमम प्राइस जो सपोर्ट प्राइस है जो सरकार निर्धारित करेगी उससे कोई भी प्राइवेट आदमी कंपेयर हमारा अन्न नहीं लेगा, तो हम तैयार हैं। और सही भी, अगर आपने कानून ला दिया, मंडी खत्म कर दी, सोसाइटी खत्म हो गया, प्राइवेट आदमी खरीदेगा तो वो तो अपने दाम से खरीदेगा। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण स्वतंत्र प्रभार विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण स्वतंत्र प्रभार एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राम खिलावन पटेल ने आज 19 फरवरी को बालाघाट प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए।
मंत्री रामखिलावन पटेल ने बैठक में अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को सबसे पहले आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम प्रारंभ किया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं समाज के सभी लोगों का सहयोग जरूरी है। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए और 100% लक्ष्य हासिल किया जाए। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आयुष स्वतंत्र प्रभार रामकिशोर नानोकावरे आज अपने गृह ग्राम बघोली में साई क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने पहुंचे, जहां उन्होंने क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में उत्साहवर्धन करते हुए बल्ले एवं बॉलिंग कर अपने हाथ आजमाए और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। युवा मंत्री को बैटिंग और बॉलिंग करते देख खिलाड़ी भी उत्साहित हुए, ग्रामीणों में भी उत्साह का संचार हुआ। मंत्री कावरे ने कहा कि हमें खेल प्रेमी होना चाहिए, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए खेल आवश्यक है।